माफ कीजिएगा 24 गेंदें 37 रन। धन्यवाद भूपेश उपाध्याय जी का। जैसा उन्होंने कहा कि क्या माहौल होगा, आप देखें कि दर्शक बड़ी दिलचस्पी के साथ इस मुकाबले को देख रहे हैं, क्योंकि काफी रोमांचक की तरफ बढ़ता हुआ यह मुकाबला। यहां पर हवा में विकेट कीपर उसके नीचे हैं और आउट या नहीं, ओ माय गॉड क्या हुआ, कैच ड्रॉप। बहुत किस्मत वाले खिलाड़ी हैं ये। विकेट कीपर ने हालांकि कोशिश की मगर फिर बीच में स्टंप्स आ गए थे और जिसकी वजह से कैच ड्रॉप हुआ। अब कसी हुई गेंदबाजी हो रही है। जब कप्तान आशीष आउट हुए उसके बाद जबरदस्त गेंदबाजी, नवोदय के गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की, काफी रनों पर अंकुश भी लगाया। क्या गेंदबाजी है, यहां पर हवाई रूट लेती हुई मगर फील्डर के हाथ में, बहुत बढ़िया कैच है ये। और देखिए जैसे कई बार भूपेश जी बताते हैं कि क्रिकेट एक चाइनीज गेम है जिसकी कोई गारंटी और वारंटी नहीं होती है, बिल्कुल वो दृश्य हम देख रहे हैं कि जब आशीष खेल लेते उस समय कुछ माहौल और था और अब देखें कि लगातार विकेटें गिर रही हैं भूपेश जी। तो यहां पर एक बार फिर नौ उदय की टीम को खुशियां मनाने का मौका मिल रहा है, लगातार विकेटें गिर रही हैं, अच्छी वापसी गेंदबाजों की। देखिए यही कहते ना कि डरने वालों की नौका कभी पार नहीं हो सकती और कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं हो सकती। तो यही गेंदबाजों ने किया कि जब आशीष धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे उस वक्त और अब कितना फर्क है, तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की। यहां पर बहुत ही जबरदस्त जीत किया और गेंद सीधे हवाई रूट लेते हुए सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन। गेंद और बल्ले का क्या मिलन था और गेंद काफी खूबसूरती के साथ उठाकर खेला डीप स्पेल बाउंड के ऊपर से और गेंद दर्शकों के बीच गिरी 6 रनों के लिए। फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने फील्डर, यही काम करना होगा। बिल्कुल विनोद, मुझे हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा T20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, अभी जनवरी का एक मैच याद आता है बड़ौदा और हरियाणा के बीच। यहां पर स्क्वायर कट करने की कोशिश की मगर गेंद और बल्ले का मिलन हो ना सका और फिर डॉट बॉल कराने में कामयाब। कभी अच्छी गेंदें भी हो रही हैं, कभी अच्छे स्ट्रोक भी देखने को मिल रहे हैं, दर्शकों को अपने जगह बैठने पे मजबूर कर दिया इस मुकाबले ने। बहुत ही रोमांचक स्थिति में जाता हुआ यह मुकाबला, जो दर्शक जहां था वहीं रुक चुका है, कौन दर्शक इस मुकाबले को नहीं देखना चाहेगा। यहां पर अच्छा स्ट्रोक, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ 4 रन, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गैप का बढ़िया इस्तेमाल किया और बल्ले के बीचों बीच लिया और गेंद सीमा रेखा पार कर गए 4 रन। अच्छा स्ट्रोक था यह, आत्मविश्वास बढ़ाने वाला स्ट्रोक। क्या मुकाबला चल रहा है, अभी भी दोनों महाबली टीमें हार मानने को राजी नहीं। गेंद और बल्ले के बीच क्या जबरदस्त, देखिए पूरे स्टेडियम में खलबली सी मच गई है। 18 गेंदें 27 रन यानी 9 रन पर ओवर के हिसाब से बनाने, मैं जिक्र कर रहा था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का हरियाणा और बड़ौदा के बीच मैच, आखिरी ओवर में 18 रनों की जरूरत थी, पहली 3 गेंदों में सिर्फ 3 रन बना पाया विष्णु सोलंकी और उनका जोड़ीदार बड़ौदा के लिए। आखिरी 3 गेंदों में 16 रन की जरूरत थी और विष्णु सोलंकी ने 6, 4 और 6 स्कोर करके अपनी टीम को मैच जिताया। क्या बात है, क्या बात है भूपेश जी। अब यहां पर फिर से हवा में गेंद मगर वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 6 रन, बढ़िया स्ट्रोक था। ऑफ स्टंप के बाहर भी छोटी गेंद मिली और पूरा हाथ चलाने का मौका मिला, बाजू खोले और गेंद सीधे बाउंड के बाहर निकली 4 रनों के लिए। 17 गेंदों पर 23 रन, क्या मुकाबला है ये। खुर्शी के किनारे देखकर
देखने वाला है ये मुकाबला। अगली गेंद हल्का सा किनारा लगाए एक रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज डायरेक्ट और आउट। कितने रंग इस क्रिकेट ने बदले हैं, मैं इसीलिए कहता हूं कि क्रिकेट और क्रिकेट दोनों सगे भाई हैं। रनआउट यहां पे हुए जब लग रहा था एक निश्चित जीत की तरफ बढ़ रही है। 17 गेंदों पे 23 रन चाहिए थे, एक अच्छा रन होता अगर यह कंप्लीट हो जाता। 16 गेंदे 23 रन जीत के लिए। आरएमसी जेवर कप 2021 नवोदय और एथ्रियस रॉयल्स के बीच ये मुकाबला। रॉयल्स राजस्थान रॉयल्स के छोटे भाई हैं और जबकि नवोदय किंग्स इलेवन के छोटे भाई हैं। तो देखिए बबर जी, अब आप यहां से देखें कि एक एक रन और एक एक गेंद सोने के भाव होंगे दोनों ही टीमों के लिए। किस तरह भी मुकाबला जाएगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए खुला हुआ है और किसी भी हद तक किसी भी तरफ ये मुकाबला पलट सकता है। अब देखना ये होगा कि किसके बाजू में कितनी ताकत है। गेंद और बल्ले के बीच जंग क्या होती है आप देख सकते हैं। बिल्कुल विनोद, 16 गेंदे 23 रन और सिर्फ 3 विकेट बची हैं, यानी नवोदय को जीत के लिए 3 विकेट या 22 से कम रन और वही रॉयल्स को 23 रन की आवश्यकता। गेंदबाज रन अब मिस हुआ। गौरव की गेंद आशीष को हल्के जैसे खेला मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा। 15 गेंदे 22 रन, कोई भी टीम जीत सकती है। जहां एक आखिरी 3 गेंदों पे मैंने उदाहरण दिया 16 रन का। अगली गेंद ऊंचा हवा में उछाला है, फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं और एक सफलता यहां पे, एक और कामयाबी यहां पे। टीम येलो चाहे तो रिव्यू ले लें। टाइम आउट हो गया कि हेलो थर्ड अंपायर हमारे आदरणीय के तिवारी जी हैं, वो चेक कर लेंगे अगर ऐसा कोई संभावना होगी तो। और यहां पे एक और विकेट गिरी है, साहिल रन आउट हुए हैं। एक और झटका, अगली गेंद यहां पे डॉट बॉल। तो अचानक आप देखें 12 बॉल पर एक मिनट, अचानक एकदम से मैदान पर भूचाल सा आया और लगातार अब विकेटें गिर रही हैं नव उदय के।
और जब आशीष खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत आसानी से इस मुकाबले को जीत जाएंगे, मगर जैसे उनका विकेट गिरा उसके बाद पूरी टीम प्रेशर में आई और लगातार अंतराल के बाद विकेट गिर रहे हैं और काफी धमाकेदार गेंदबाजी हो रही है और काफी दिलचस्प मुकाबला। कुछ बड़े स्ट्रोक्स लेने होंगे इस वक्त। 12 गेंदे बॉल दे दे नहीं दूसरे को पुरानी बॉल। 12 गेंदे 22 रन बॉल दे रहे हैं। नहीं नहीं कोई पुरानी बॉल। तो 12 गेंदे और 22 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए कोई भी टीम किसी भी टीम को पटखनी दे सकता है, मगर गेंद और बल्ले का जो संघर्ष है वो बहुत ही अद्भुत है। दोनों ही टीमें इड़ी का जोर लगा रहे हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए और देखना होगा कि किस तरफ यह मुकाबला जाएगा। बहुत ही रोमांचक सांसें रोक देने वाला है यह मुकाबला। आप देखें कि पूरा स्टेडियम आप यहां पर देख सकते हैं कि खुश। पहली गेंद इस ओवर की हल्के हाथों से इस बार खेला कवर के ऊपर, मगर एक ही रन मिलेगा, केवल एक ही रन से संतुष्ट। 11 गेंदे 21 रन। पूरा स्टेडियम इस वक्त क्रिकेट के रंग में रंग चुका है। डीडीए कॉम्प्लेक्स रोहिणी का ये खूबसूरत स्टेडियम आरएमसी जेबर कप 2021 का ये दूसरा मुकाबला। इस बार गेंद को स्क्वायर लेग पर मोड़ा क्लाइंट के सहारे, एक ही रन, 10 गेंदे 20 रन। बिल्कुल 2020 के लिहाज से तो बहुत ही बढ़िया मुकाबला है, दर्शकों को खुश करने वाला मुकाबला। इस बार थर्ड बैंक पर मौजूद है फील्डर, एक ही रन मिलेगा इस एक रन के साथ। 9 गेंदे 19 रन। सही कह रहा हूं यार। अरे तो अभी तुम्हारे शनिवार संडे ही होता है चौथा का। गेंदबाज को यहां से कोई भी गलतियां नहीं करने होगी। क्षेत्र रक्षण को भी, फील्डर को भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। क्लीन बॉल, बहुत बढ़िया गेंद थी है, पूरी तरह से बैट्समैन को छकाया, एक और विकेट मिला और पूरी तरह से कहना होगा कि इस वक्त 9 रन की टीम काफी गहरे संकट में है फिलहाल। रजत चाह रहे हैं विकेट के ऊपर और आप देखें कि E3S रॉयल्स की टीम को लगातार खुशियां मनाने का मौका मिल रहा है। वापसी की है उनके गेंदबाजों ने, तारीफ करने होंगे। बैग में डालो, हो गया। देखिए मैंने जैसे पहले भी कहा कि कहते हैं कि डरने वालों की नौका कभी पार नहीं हो सकती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती। और इस तरह से मुकाबला जीत लिया है, बहुत ही शानदार मुकाबला। उधर से समेटो ना, उधर से पावर और निकालो, उधर से इसका पावर ना निकालना। कैमरे खोलो ना पहले, जरूरी थोड़ी है। कैट सिक्स निकालो, कैमरे खोलो, हो जाएगा। 5
हर बात पे हंसते रहते हो, तोड़ दूंगा। भाई अच्छा झटका जरूर लगे। ओके बाय 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 बाय, राम राम। हाई फीलिंग ओवर। प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा ना, प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा ना। ओए बैठ लो अपने, प्लीज है ना। क्या प्रेजेंटेशन? दो तो ये मैं पूछ रहा हूं, वही मैं बोल रहा हूं। और क्या है? मैं तो मैच का करेंगे, मैच का तो करेंगे भाई। ये कैप को मार दिया अमित, बढ़िया बॉलिंग अमित। सुनो अपने करना है और
पक्का 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 भाई, मेरा सौदा है एक बार फिर आप सभी का स्वागत। और हमने जो अपनी कैप देनी है, सबसे पहले हम बुलाएंगे आशीष मंगला जी को। आशीष मंगला प्लीज, टीम कैप्टन आए यहां पे, टीम रॉयल्स के कैप्टन। हाँ जी, आशीष जी आ चुके हैं। सर सर आ गए आशीष जी, कैमरा ले जाओ, उठा के रह जाओ, पहना सुन और यहाँ पे पहले हम आशीष इंटरप्राइजेज कैप दी जा रही है। Thank you.
Hello, hello. May I have your attention, please? हेलो, आपने देखा कि आज के दो खूबसूरत मैच हमने पूरे कर लिए और आज सुबह जो मैच हुआ उस मैच के मैन ऑफ द मैच है हिमांशु बंसल। क्या खूबसूरत पारी 76 रन की खेली थी हिमांशु ने, उसके बाद गेंदबाजी में भी अपने हाथ दिखाए और एक सुंदर रनआउट भी हिमांशु ने किया। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार 21 मार्च को फाइनल वाले दिन दिया जाएगा। और जो दूसरा मैच अभी हमारा हुआ उसके मैन ऑफ द मैच है निखिल जैन। एक बार जोरदार तालियां निखिल जैन और हिमांशु के लिए। निखिल मेरे पास ही है, क्यों ना इनके मन की बात जानते हैं। निखिल पहले बहुत बहुत बधाई आपको, कैसा लग रहा है, काफी उतार चढ़ाव मैच में आए। ये बात कहूंगा जी, हमारे 11 के 11 प्लेयरों ने मैच जिताया है। ये मैन ऑफ द मैच तो एक ही होता है, पर 11 मैन ऑफ द मैच है मेरे हिसाब से। सबने बहुत अच्छा करा, बहुत बढ़िया, और उम्मीद है आगे भी हम बहुत अच्छा खेलेंगे और भगवान ने चाहा तो कब हमारे हाथ में ही होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज बताइएगा निखिल, जरा रुकिए बात कर लेते हैं। जब आशीष रन मार रहे थे और एक दुर्भाग्य भी था आपकी टीम का, आप कैचेज भी उनके काफी छूटे, उस समय मन में क्या चल रहा था आपके? सर ये उम्मीद थी कहीं ना कहीं मन में कि वो दोबारा चांस देगा, दोबारा देगा और चौथे में पकड़ा गया। बिल्कुल, भाग्य ने कुछ बार साथ दिया और कुछ भाग उसका, कुछ भाग हमारा भी तो होगा। बिल्कुल सही, बहुत बहुत बधाई आपको, गुड लक फॉर रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। और जो ये मैन ऑफ द मैच पुरस्कार होंगे ये 21 मार्च को दिए जाएंगे आपको चेक द्वारा, अपने आधार कार्ड से अपने अकाउंट को भी लिंक करा लें। 2100 रुपए की धनराशि दी जा रही है मैन ऑफ द मैच, जो कि एक अच्छी धनराशि है। और आशीष की बात आई थी, कितना बेहतरीन आशीष ने खेला था, अगर ये आईपीएल के खिलाड़ी होते तो निसंदेह 16 करोड़ से ऊपर में बिकते। आशीष जैन जो है टीम के कप्तान। मैं चल रहा था भाई, मैं चल रहा था भाई।